हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल INDI प्लस में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री चार्ज एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास दोस्तों ये ऑफर शो हो रहा है, फ्री चार्ज क्रेडिट कार्ड का ऑफर शो हो रहा है, तो ये इस ऑफर के बाद दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं जो कि फ्री चार्ज एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो कि ये क्रेडिट कार्ड का ऑफर मुझे फ्री चार्ज की तरफ से दिया गया है। अब ये क्रेडिट कार्ड मुझे मिला है या फिर नहीं मिला है ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोगों को ये क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिलता है तो आप लोग एकदम से खुश मत हो जाइए। आप लोग ये मत सोचिए दोस्तों कि आपको ये क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिल गया तो आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल ही जाएगा। इसकी भी दोस्तों कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, जिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर अगर आप आते हैं तो आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, अदरवाइज आपको ये क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाता है। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड बता देता हूँ। मुझे इस क्रेडिट कार्ड का ऑफर दिया गया था दोस्तों, फ्री चार्ज की तरफ से ये क्रेडिट कार्ड ऑफर करा जा रहा है। मैंने इसको अप्लाई करा दोस्तों, और अप्लाई करने के बाद क्या हुआ चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोगों के पास यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड का ऑफर शो हो जाएगा अगर आप लोग एलिजिबल होंगे तो। तो चलिए हम यहाँ क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करते हैं। क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो कि एक्सिस बैंक फ्री चार्ज क्रेडिट कार्ड ये ऑफर दिया जा रहा है आप लोगों को, जो कि फ्री चार्ज की तरफ से आपको ये ऑफर मिल जाता है। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे जो कि बताया गया है इंस्टेंट अप्रूव हो जाएगा और लो डॉक्यूमेंट यानी कम से कम डॉक्यूमेंट आपसे लिए जाएंगे, और हायर जो कि लिमिट मिल जाएगी आपको इस क्रेडिट कार्ड की अगर आपका ये क्रेडिट कार्ड अप्रूव होता है तो। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को अप टू 7000 तक बेनिफिट मिल जाते हैं अगर आप लोगों को ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो चलिए हम यहाँ गेट नाउ पे क्लिक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये जो ऑफर है, इस क्रेडिट कार्ड का ऑफर है, मुझे फ्री चार्ज की तरफ से ही दिया गया था। फ्री चार्ज की तरफ से ये ऑफर मिला था, उसके बाद दोस्तों मैंने इसको अप्लाई करा, उसके बाद भी दोस्तों जो मेरा ये क्रेडिट कार्ड है उसे बैंक ने डिक्लाइन कर दिया। अब यहाँ दोस्तों काफ़ी लोग बहुत खुश हो गए होंगे कि उनको जो है फ्री चार्ज की तरफ से ये क्रेडिट कार्ड ऑफर करा जा रहा है और उनको मिल जाएगा। वो बिना सोचे समझे दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर देते हैं और बाद में उनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे को जब ये क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिला तो मैंने इसको फटाफट से 10 से 12 दिन के अंदर ही अप्लाई कर दिया, जिससे कि क्या हुआ दोस्तों कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है वो 2-3 दिन अंडर प्रोग्रेस में थी, उसके बाद से ये जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी गई। रिजेक्ट करने का दोस्तों जब मैंने कारण पूछा, मैंने बैंक में कॉल करा कि ये जो मेरा क्रेडिट कार्ड है वो क्यों रिजेक्ट हुआ, तो रिजेक्ट करने का सबसे बड़ा कारण था दोस्तों मेरा जो क्रेडिट स्कोर। तो मेरा जो क्रेडिट स्कोर था दोस्तों वो था 750 से नीचे, जिस वजह से मेरा जो ये क्रेडिट कार्ड है वो रिजेक्ट हो गया। अब दोस्तों मैंने जो है फ्री चार्ज एप्लीकेशन में जो भी अपनी डिटेल यानी फ्री चार्ज एप्लीकेशन में साइनअप करने के टाइम जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करी थी, उसी KYC के डिटेल के बेस पे दोस्तों हमें ये क्रेडिट कार्ड ऑफर करा जाता है, चाहे फ्री चार्ज का हो या अदर किसी एप्लीकेशन का क्रेडिट कार्ड हो। दोस्तों हम अगर मिनी KYC कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें एक क्रेडिट कार्ड ऑफर करा जाता है। लेकिन जब हम फाइनली उसको अप्लाई करते हैं, वहाँ पे हमसे जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, वहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, तो उसके बेस पे डिसाइड करा जाता है कि हमें क्रेडिट कार्ड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। मेरे केस में ये था दोस्तों कि मैंने सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर दी थी, लेकिन दोस्तों मैंने थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे चेंज कर दी थी, अपडेट कर दी थी, जिस वजह से ये मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो जिस इन्फॉर्मेशन के बेस पे ये क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर हो रहा है फ्री चार्ज की तरफ से, आप लोग उसको कोशिश करिए कि उसको एडिट ना करें, और अप्लाई करने से पहले आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप लोग अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करिए दोस्तों, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जरूर चेक करिए। आपका क्रेडिट रिपोर्ट 750 से ऊपर होता तो आपको 100% ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अगर फ्री चार्ज की तरफ से ये ऑफर आपको दिया जा रहा है तो आप एकदम से ही खुश हो जाते हैं दोस्तों, और बिना किसी सोचे समझे आप लोग इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद ये रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको ये ऑफर मिलता है तो पहले आप लोग तसल्ली से इसको सोच समझ के अप्लाई करिए। ठीक है, आप लोग सबसे पहले अपने जो क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर लीजिए, अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट 750 से ऊपर है दोस्तों उसके बाद इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करिए, वहाँ पर आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अप्लाई करने के बाद दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे आपको, अगर आपके पास पहले कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो। ये क्रेडिट कार्ड में दोस्तों आपको बिना इनकम प्रूफ के ये क्रेडिट कार्ड आप लोगों को यहाँ पे दे दिया जाता है। अभी दोस्तों मेरे केस में ये है कि मुझे ये क्रेडिट कार्ड नहीं मिला, लेकिन दोस्तों मेरे पास जैसे ही रीअप्लाई का ऑप्शन आता है तो मैं लाइव आप लोगों को अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं। तो उसके लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, अगर आप लोग इसकी अप्लाई करने की वीडियो देखना चाहते हैं तो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।